हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अखिलास किचन। कैसे आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, आप लोग ठीक होंगे। जैसे सर्दियों का सीज़न चालू हो गया है, तो सर्दियों के सीज़न में ये स्पेशली ये वाला फल आता है, सीताफल। इसे कस्टर्ड एप्पल भी बोलते हैं। देखिए, ये अच्छा पका वाला मम्मी ने लेकर आए थे मंगल वाले मार्केट से, और ये 1 किलो जितना लेकर आए थे मम्मी ने। और इसका हमें पूरा पल्प निकाल के लेना है। चलिए फ्रेंड्स, वो आपको मम्मी बताएंगे। बिस्मिल्लाह बोल के स्टार्ट करते। देखिए, अच्छी तरीके से अंदर तक हमारा पका हुआ है, और इसके अंदर का हमें पल्प यूज करना है। आपके पास इस तरीके का चॉपर होगा तो आप चॉपर में इसे डालना है, तो आप मिक्सर में भी इसे कर सकते हो। इससे इजीली इसके अंदर की जो बीज है वो निकल जाएगी। फ्रेंड्स देखिए, में भी कर सकते हो, जिसमें हम केक छानते हैं या आटा छानते हैं उसमें भी आप लोग कर सकते हो। इसका हमें जितना हमें पल्प निकलेगा हम उतना यूज करेंगे। चलिए फ्रेंड, इस तरीके से हमें चॉपर से करना है ताकि बीज अलग निकल जाए। देखिए फ्रेंड्स, इसके इस तरीके से बीज खुद ब खुद निकल जाते हैं। देखिए, इसे हम साइड में निकाल देंगे, इसका पल्प यूज करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, इस तरीके हमने इसका पल्प निकाल दिया है, और इसे हम एक कटोरी में डाल देंगे। यही कटोरी से मेजर करके हम व्हिपिंग क्रीम और शुगर लेंगे। देखो, हमारे दो ही सीताफल का कितना अच्छे से पल्प निकल गए पूरी कटोरी भर के, और ये हमारा एक और सीताफल बच गया। इतना ही हम शक्कर लेंगे और व्हिपिंग क्रीम भी ले लेंगे इतना भर के। देखो, हम ये स्टील की कटोरी में रखेंगे ताकि हमने ना जो और निकाले है एक सीताफल का पल्प, ये देखिए, ये भी इसे मिक्स कर देंगे। फिर हमें पूरे माप से ही लेना है, बराबर परफेक्ट। ये इतना हमने ये लिए है, शक्कर भी ले लेंगे मिठास के हिसाब से, और व्हिपिंग क्रीम इतनी भर के ले लेंगे हम। अब हमारा एक कटोरी भरकर निकला है, देखिए सीताफल का, वो हम मिक्सर के पॉट में ऐड कर देंगे। 4 से 5 टेबलस्पून हम डालेंगे पाउडर शुगर। आपके पास नहीं हो तो आप नॉर्मल शुगर भी डाल सकते हो। आप लोग ये आइसक्रीम ट्राई करना, आपको इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी लगेगी। हमने इसमें हमारी शुगर भी डाल चुके हैं। फ्रेंड्स, हम लोग इसमें ऐड कर देंगे काजू, टेस्ट और फ्लेवर के लिए। हम काजू इसमें इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि इसका टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाए। और आप इसमें अगर बादाम ऐड करना चाहते हो तो बादाम के आपको छिलटा जो निकाल के ऐड करना होगा। और अगर आप इसमें पिस्ता का भी यूज कर रहे हो, डाल रहे हो, तो पिस्ता क्या होगा, ऊपर ग्रीन ग्रीन नजर आएगा। तो आप मोस्टली आप ट्राई करना कि इसमें काजू ही डालें, काजू से टेस्ट और फ्लेवर बहुत ही अच्छा आ जाता है। और इसके फाइन सी प्यूरी हमें बनाकर लेनी है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, इसे चेक कर लेते हैं। देखिए, इस तरीके से इसका पेस्ट हमारा तैयार हो गया है। जितना हमारा सीताफल का पल्प था उतना ही हम व्हिपिंग क्रीम लेंगे, जिससे हम केक को डेकोरेट करते हैं। वो वाली व्हिपिंग क्रीम है ये, अच्छी तरीके से साफ करके डालेंगे। 2 चम्मच हम इसमें शुगर ऐड कर देंगे। अगर आपके पास व्हिपिंग क्रीम नहीं होगा तो नॉर्मल अमूल की फ्रेश क्रीम आती है, आप वो भी डाल सकते हो, पर उसका जो घट वाला पार्ट होता है, थिक वाला, आपको वो लेना है फ्रेंड्स। फ्रिज में रखी हुई एकदम थिक वाला होता है ना, वो आपको यूज करना है। और व्हिपिंग क्रीम हमारी नॉर्मल होनी चाहिए। इसमें खुशबू के लिए और फ्लेवर के लिए वेनिला एसेंस डालेंगे। अगर आपके पास वेनिला एसेंस नहीं होगा तो आप इसमें इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, 1 स्पून बड़ा स्पून भरकर आप डाल देना। चलिए फ्रेंड्स, देखिए हमने अच्छी तरीके से इसे बीट कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी हमें कुछ इस तरीके से चाहिए थी। देखिए, बहुत भी जिस तरीके से केक को करते उस तरीके से नहीं करना है, इजीली हमारे स्पैचुला से नीचे जा रहा है। अब इसमें हम ऐड करेंगे पल्प हमारा जो सीताफल का, देखिए इसे हम ऐड करेंगे। पूरा ही हमें ऐड करना है, और फिर इसे हम हल्के हल्के हाथों से ही मिक्स करेंगे, देखिए इस तरीके से। चलिए फिर, अच्छी तरीके से इसे मिक्स करना है। अभी हमारे सीताफल का पल्प है व्हिपिंग क्रीम में, अच्छी तरीके से मिक्स होना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, देखिए आपको बीच बीच में हमारे सीताफल भी नजर आ रहे होंगे। ये क्योंकि सीताफल आइसक्रीम है तो हमने इसे थोड़ा दरदरा ही रखा था ताकि सीताफल दिख जाए। देखिए, अब इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे टूटी फूटी।
चलिए फिर इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट, ये टूटी फूटी, देखिए बहुत ही कलरफुल लग जाएंगे। चलिए फिर इसे हम मिक्स करेंगे, बहुत ही कलरफुल लगेगी हमारी सीताफल आइसक्रीम। ये सीजन में ही मोस्टली सीताफल मिलते हैं विंटर सीजन में, तो आप ट्राई करना। विंटर सीजन में जो भी सब्जी फ्रूट जो भी आते हैं वो बहुत ही अच्छे हेल्थ के लिए होते हैं और बहुत ही जो उसके बेनिफिट्स होते हैं, तो आप ट्राई करना कि आप जितने भी चीजें मिलती हो तो आप आपके बच्चों को भी खिलाएं, ताकि उनको भी वो सब चीजें खाने की आदत हो जाए और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहे। इसलिए मम्मी हमेशा सीताफल लाते हैं, तो मैं इस बार मम्मी बोले हम इनको आइसक्रीम भी बनाते हैं, कि बहुत से लोगों को ना आइसक्रीम की बहुत क्रेविंग होती है ठंडी में खाने की, इसलिए मम्मी बोलते हम भी बनाते हैं। फ्रेंड्स ये इस तरीके का हमारे पास ना खजूर का डब्बा था, हम ऐसे संभाल कर रखते हैं, कोई भी चीज लगती है तो काम में आ जाती है। आपके पास कोई भी एयर टाइट डब्बा हो तो आप उसमें ऐसे रख सकते हो, कोई भी जो आपके पास टिफिन होगा, ये अच्छा एयर टाइट है और हम लोग इसे यूज भी करते हैं आइसक्रीम बनाते टाइम, इसलिए हम यही यूज कर रहे हैं। इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पहले आइसक्रीम डालेंगे, देखिए इस तरीके से, फिर हम इसके ऊपर थोड़ा ड्राई फ्रूट डालेंगे, ताकि बीच में जब हम इसे कट करेंगे तो ड्राई फ्रूट भी नजर आएंगे, और इसे हम थोड़ा इस तरीके से टैप टैप करेंगे तो सारे साइड पे वो इवनली स्प्रेड हो जाएगा। चलिए फिर अच्छी तरीके से हम इसे स्प्रेड करेंगे सारे साइड पे, देखिए इस तरीके से। और इसके ऊपर से ना हम थोड़े और टूटी फूटी डाल देंगे, देखिए इस तरीके से, और ड्राई फ्रूट्स भी हमने कट करके रखे हैं तो वो भी हम डाल देंगे, ताकि जब हम इसे बीच में से इसको स्कूप से आइसक्रीम निकालें तो बीच में भी टूटी फूटी और ड्राई फ्रूट्स लगे हमें। चलिए फ्रेंड्स फिर इसके ऊपर से हम गार्निशिंग करेंगे टूटी फूटी से, देखिए इस तरीके से, बहुत ही यम्मी लगती है टूटी फूटी से। अब सर्व करना इस तरीके से, और ड्राई फ्रूट हम डालेंगे काजू बादाम पिस्ता, जो आपको कंफर्टेबल है आप वो डाल सकते हो फ्रेंड्स, और आप स्किप भी कर सकते हो अगर आपको नहीं पसंद टूटी फूटी या ड्राई फ्रूट, तो आप स्किप भी कर सकते हो। चलिए फिर इसे एयर टाइट डब्बे में हमें बंद करना है, देखिए इस तरीके से, आप इसे अच्छे तरीके से टाइट करना और 5 से 6 घंटे के लिए इसे आप रखना। अगर ओवरनाइट रखोगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा, इसलिए आप इसे ओवरनाइट रखोगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट और इसका जो आइसक्रीम का बहुत ही अच्छे तरीके से निकल जाएगा। फ्रेंड्स चेक करेंगे हमारी आइसक्रीम को, देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी तरीके से सेट हो गई है, अभी हम इसे निकाल देंगे। चलिए फ्रेंड्स आइसक्रीम हम निकालेंगे, देखिए कितनी अच्छी लग रही है, आप लोग देख सकते हो कितने अच्छी तरीके से सेट हो चुकी है। हमारे पास स्कूप नहीं है आइसक्रीम का, पर इसी से मम्मी निकालते ना तो बहुत ही अच्छा निकल जाता है। चलिए दूसरा स्कूप भी हम निकाल लेते हैं, चलिए फ्रेंड्स इसे सर्व करते हैं हम चॉकलेट सिरप से, बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आ जाता है इससे भी, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। आप जो इसके ऊपर गार्निशिंग कर सकते हो आप वो डाल सकते हो, देखो कितनी अच्छी लग रही है। इसके ऊपर हम टूटी फूटी से सर्व करेंगे, देखिए कितनी अच्छी लग रही है, रिचनेस देखिए कितनी अच्छी लग रही है, देखिए मम्मी आपको बता रहे, देखिए और टेस्ट अभी मम्मी आपको बताएंगे, ये देखिए कितना परफेक्ट आया है, देखिए ये भी कितना परफेक्ट लग रहा है। चलिए मम्मी बताइए टेस्ट करके, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी लग रही है, ऐसा लग रहा है सीताफल जो डाले उसका भी टेस्ट अच्छा आ रहा है, जो दूसरे भी चीजें डाली हमने उसका भी टेस्ट उभर के आ रहा है, ड्राई फ्रूट व्हिपिंग क्रीम, हाँ वो उसकी भी अच्छा से टेस्ट अच्छा आ रहा है ना, कि आप लोग जरूर बनाइएगा, क्योंकि अभी सीताफल का सीजन है तो बना के आप लोग खा सकते हैं, आपकी फैमिली को भी इंजॉय कर सकते हैं, अभी क्रिसमस भी है तो फिर पार्टी घर में रहती है तो बहुत ही सिंपल है, सिंपल मतलब है और इजी है ना क्या, और ज्यादा इसमें तामझाम भी नहीं है, खाली 3 चीजों से बन जाती है, एक सीताफल है, व्हिपिंग क्रीम है और शुगर है बस, और ड्राई फ्रूट्स आपको नहीं डालना है हाँ, तो आप स्किप भी कर सकते हो, टूटी फूटी है हाँ, ये आपको ये चॉकलेट गार्निशिंग भी नहीं करना है तो मत कीजिएगा,
ऐसे नॉर्मल भी आप बना के खाएंगे तो आप लोग फैमिली को भी इंजॉय करिए। गर्मी में तो इससे भी अच्छा टेस्ट अच्छा आ जाएगा। गर्मी में सीताफल मिलते नहीं है, मिलते नहीं है। और ठंडी में मिलते तो मम्मी बोले कि इनको बता देंगे, तो फिर कैसे आप भी सीताफल हर जगह पे मिलते ही है तो आप इसे इंजॉय करना।